ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक में ऑफलाइन परीक्षा लेने का फैसला हुआ है। बैठक में यह भी तय किया है कि परीक्षाएं जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 15 जुलाई तक समाप्त होगी। परीक्षाओं के नतीजे अगस्त तक जारी हो जाएंगे ताकि प्रवेश प्रक्रिया का विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र सही समय पर शुरू हो सके। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक की एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ये भी तय किया गया कि परीक्षा कैसे होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि विद्यार्थियों की लेखन क्षमता कम हुई है, लिहाजा उन्हें परीक्षा के दौरान अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में एक भी प्रश्न बहुवैकल्पिक नहीं होंगे, सभी प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, विद्यार्थियों को उसका उत्तर लिखना होगा। इस फैसले के साथ ही पिछले कई दिनों से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों को करारा झटका लगा है। इन दो पार्टियों से जुड़े संगठनों की ओर से लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों विश्वविद्यालय ने परीक्षा मंडल की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था। विश्वविद्यालय के फैसले से कुछ विद्यार्थी खुश थे तो कई विद्यार्थी नाखुश थे।